हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है न्यू ब्लॉग पे। अभी मॉर्निंग के बजे हैं 10:30 और यहाँ पे बस मैं थोड़ा सा पूजा पाठ कर रही हूँ। बाकी किचन उचन का सारा काम हो गया, घर वगैरह सारा कुछ मैंने पोछा लगा लिया। ये कुछ दिन पहले का वीडियो है तो मैं एडिट नहीं की थी, टाइम ही नहीं मिल पा रहा था मुझे, क्योंकि डेली एक एक जिम्मेदारी मेरा लगा रहता है अभी कुछ दिनों से दोनों बच्चों को लेके, तो इस वजह से भी टाइम नहीं हो पा रहा है, तो मैं डेली ब्लॉग नहीं अपलोड कर पा रही हूँ। तो यहाँ पर कपड़े वगैरह सारा कुछ सूखने के लिए मैंने डाल दिया, आज बहुत सारे कपड़े हैं। और नाश्ता वास्ता करके अभी टाइम हो चला है 12:15 नहीं बजे हैं, और मैं यहाँ पे थोड़ा सा बाल उल अपना कंघी कर रही हूँ, मुझे जाना है आईसी को स्कूल लाने के लिए। तो मौसम भी ख़राब सा किया हुआ है, तो छाता वगैरह लेके जाना ही अच्छा रहेगा, तो मैं यहाँ पर छाता ले ली हूँ और चलते हैं आईसी को लाने के लिए। तो आप भी चलिए साथ साथ हमारे। छाता ले लिए हैं और जा रहे हैं अभी बिटिया रानी को लाने, मौसम का कोई भरोसा है नहीं। तो चलते देखिए, आधा से अधिक दूर आ गई हूँ और अकेले थोड़ा सा बोर लगता है, ऐसी रहती है तो उतना ये नहीं लगता। और वापस से मौसम पूरा अंधेरा किया हुआ है, तो जल्दी जल्दी मुझे जाना होगा, क्योंकि बाहर में पूरा कपड़ा मैंने सूखने के लिए डाला है। और मम्मी जी भी है नहीं, मम्मी जी खेती गए हैं, पापा है सिर्फ, सारे कपड़े फिर भींग जाएंगे। बारिश का दिनों में ना यही प्रॉब्लम होता है, खास करके गांव सब में, क्योंकि पूरा कच्चा रास्ता रहता है ना, और खेतों में पूरा काम चालू हो गया है, सब गाड़ी उड़ी लगा हुआ। देखिए पक्षी कितने अच्छे से उड़ रहे हैं। छुट्टी अभी हुआ नहीं है, इधर आ जाओ, आयुषी आ रही है। आओ आओ, मैम से पूछी, मैम से आ गई है। अभी हम चलते हैं वापस से कच्चे रोड से घर, है ना ऐसी। चलिए दोस्तों, घर पहुंच गए, थक गए, जूता खोलिए और पैर धो के आएगी, ठीक है, और हैंड वॉश करेगी, उसके बाद फिर घर घुसेगी। तो ऐसी पैर हाथ धो लिए और अभी टाइम हो चला है 1:30 बज रहे हैं। ये है हमारा आज का खाना, चना दाल, लौकी की सब्जी, थोड़ा सा सलाद है, बैंगन का भुजिया है। और खाना वाना खाने के बाद थोड़ा सा बस यहाँ पे रेस्ट की मैं, और अभी 2:30 बज रहे हैं, तो अभी भी मुझे करना है काम, काफ़ी दिनों से पड़ा हुआ है। और बिटिया रानी यहाँ पे टीवी देख रही थी कि तभी उसके पापा और लक्ष्य आ गए, तो आयुषी गई है गेट खोलने के लिए। तो यहाँ पे ना जो मैंने नए वाले कपड़े मंगाए थे ना, वो थोड़े से ढीले हो रहे हैं, सभी को मुझे फिटिंग करना है रक्षाबंधन में पहनने के लिए। और यहाँ पे देखिए बाप बेटी का दोनों का मस्ती चालू हो गया है, और हस्बैंड जी को पता नहीं है कि मतलब मैंने कैमरा लगाया हुआ है, वो बोलते हैं वीडियो में मुझे नहीं लेने के लिए, मुझे पसंद नहीं है। तो मैं बस वीडियो शूट ही कर रही थी कि वो आ गए, उन्हें पता नहीं है। और जब यहाँ पर बाप बेटी का दोनों का मस्ती चलता रहता है ना, तो उस एरोप्लेन बना कर यहाँ पर उड़ाने वाले हैं अभी हस्बैंड जी, तो उस समय मैं जब बताती हूँ तो फिर हंसने लगते हैं और फिर साइड हट जाते हैं। तो अभी 3 बजने वाले हैं अभी, और ये लक्ष्य का कुर्ता है, आयुषी का ड्रेस है, और यहाँ पे देखिए मैंने हस्बैंड जी को बोल दिया तो फिर वो हंसने लगे और साइड हट गए। तो ऐसे हमारा मस्ती होते रहता है, मैं चुपके से उनको वीडियो में लेते रहती हूँ। तो चलते हैं इन्हें अभी हम खाना देने के लिए। अभी थोड़ा ही सिलाई की हूँ, मेरा कुर्ती अभी सिलाई की हूँ, और लक्ष्य का कुर्ता अभी बचा हुआ है, तो बेटे को और हस्बैंड जी को दे देते हैं खाने के लिए। आयुषी और मैं तो पहले ही खा ली हूँ, टाइम बहुत ज़्यादा हो जाता है ना, तो ये दोनों बाप बेटे खाते हैं और हम दोनों माँ बेटी पहले खा रहते हैं 1:30-2 बजे ऐसे टाइम पर। तो यहाँ पर दोनों को खाना परोसने के बाद वापस से मैं चली जाऊँगी रूम पर, और अधूरा जो मेरा काम है वो सब पूरा करूँगी। तो करते करते ना दिन भर में बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पाता, और डेली मेरा तो एक जिम्मेदारी अभी कुछ दिन से लगा हुआ है, दोनों बच्चों का कभी प्रोजेक्ट बनाओ, कभी कुछ, वही सब लगा रहता है।
तो टाइम बहुत ज़्यादा मुश्किल से मतलब मिल पाता है मुझे। और यहाँ पे आयुषी का लहंगा का टॉप भी सिलाई कर लिया है मैंने, और यहीं पर खटिया में आयुषी जो है आराम से लेट के टीवी देख रही है, थोड़ा सा कार्टून देख रही है। तो अभी बच्चे सोने नहीं भी खोजते हैं ना, तो मैं उतना जिद नहीं करती हूँ, टाइम इन्हें नहीं मिलता है, तो थोड़ा सा बस दिन में अभी टीवी देखने देती हूँ और शाम में जल्दी सुला देती हूँ, 8 बजे तक इन्हें सुला देती हूँ। और अभी थोड़ा देर जैसे टीवी देखेंगे तो शाम में थोड़ा सा खेलेंगे बाहर में, और रात में जल्दी सो जाते हैं, और दिन में अगर सोएंगे तो फिर इन्हें खेलने का टाइम नहीं मिल पाता है। और थोड़ा सा खेलना भी ज़रूरी होता है, टीवी देखना ज़रूरी होता है, उसके बाद शाम में होमवर्क बनाना होता है, पढ़ाने बैठाना होता है, वही सब करते 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 हाउसवाइफ एक वर्किंग वाइफ से कम नहीं है। और ये लक्ष्य का कुर्ता है, लास्ट ये बचा हुआ है, इसे सिलना है, तो इसे भी अभी कंप्लीट मैंने कर दिया है। अब चलिए ये सारे नए कपड़े जो है मैंने सिल लिया है, राखी का के लिए ढीले हो रहे थे थोड़े से, ये सभी को अभी समेट दूँगी और मशीन को हम साइड में रख देंगे। तो कभी भी सिलाई उलाई करने से पहले मशीन को थोड़ा सा ज़रूर से मैं पोंछ लेती हूँ। और नए कपड़े जैसे पुराने कपड़े नहीं सिलने चाहिए, जो गंदे वाले कपड़े धो के ही सिलने चाहिए। और मौसम अभी तो ख़राब हो रखा है, थोड़ा थोड़ा बारिश वाला मौसम किया हुआ, एक एक बूंद बारिश गिर रही है, तो कपड़े यहाँ पर सूखे नहीं हैं। आधा कपड़े जो सूख गए थे वो सबको मैंने उठा के रख दिया है, और ये सब कपड़े जो है ना सूखे नहीं हैं। और ऐसे भी अभी शाम हो गए हैं, शाम के अभी 4 बजने वाले हैं, तो सारे भींगे वाले कपड़े को मैं उठा के बाल्टी में रख दूँगी, और ऐसे इसमें से पानी निकल गया है तो रूम में डाल दूँगी, इसमें पंखा जैसे हवा लगेगा ना तो वो सूख जाएंगे। उसके बाद तुरंत फिर मैं आ गई हूँ किचन में, और यहाँ पर देखिए दोनों खा लिए हैं, तो सारे बर्तन अभी मुझे धोने हैं। सभी बर्तन को इकट्ठा कर लेते हैं और बाहर में निकाल के थोड़ा से चलिए किचन को साफ सफाई कर लेते हैं। किचन का भी सारा काम हो गया, बर्तन बासन धो लिया, अभी देखिए उतना शाम नहीं हुआ है, तो सारे बर्तन को यहाँ पे मैं अलग अलग करके रख दूँगी, जो रूम में लेने का थाली कटोरा वो सब सबको अलग निकाल दूँगी। आटा हाथ हो मतलब जब मैं आटा सानती हूँ ना, फिर आटा हाथ हो जाती हूँ तो बर्तन निकालती हूँ तो सारे बर्तन में लग जाता है आटा, तो उससे फिर बर्तन वापस से मुझे धोने पड़ते हैं। और यहाँ पे सारे को समेट दिया है मैंने, और अभी मुझे खाना बनाने की तैयारी करना, तो थोड़ा सा बस यहाँ पे सब्जी वगैरह वो सब मैं निकाल रही हूँ, और साथ में मैं आटा भी यहाँ पे निकाल लूँगी, आटा भी सान लूँगी। और सब्जी में आज कुछ खास नहीं बनाऊँगी, हमारे बगान में कुंदरू फला हुआ था तो मम्मी जी तोड़ के दिए हैं, तो आलू और कुंदरू पोस्तू बनाऊँगी सब्जी में, तो सारे चीज़ यहाँ पर हम तैयारी करके रख लेते हैं। उसके बाद अभी लक्ष्य खाने के बाद गया है टीवी देखने के लिए, बच्चे टीवी देख रहे हैं, थोड़ी देर बाद उनका नाश्ता का टाइम हो जाएगा तो उन्हें फिर मैं किचन में बुलाऊंगी। और सब्जी यहाँ पे मैंने छौंका लगा दिया है, और पोस्तू भी पीस लिया था मिक्सर पे, तो इधर हमारा सब्जी रेडी हो रहा है, और अभी आटा भी हमारा रेडी हो चुका है, तो बच्चों को मैं यहाँ अभी बुला लूँगी नाश्ता करने के लिए। तो आज नाश्ता में बच्चों को मैं यहाँ पर सेव और बूंदिया दे रही हूँ, बूंदिया ये मार्केट का बूंदिया है, मैंने मंगाया हुआ था 10 रुपये का, और सेव, तो सेव बूंदिया थोड़ा सा बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आता है, अलग अलग मतलब देते रहने से अच्छा रहता है, तो थोड़ा सा सेव बूंदिया हम नाश्ता करेंगे देखिए, तो आप लोग भी आ जाइए नाश्ता करने के लिए। और बच्चे यहाँ पे हाथ धो के आ गए हैं, बैठ गए हैं, दोनों को मैं दे देती हूँ और मैं भी ले लेती हूँ, और हमारा शाम का नाश्ता हम इंजॉय कर रहे हैं।
तो फ्रेंड एक ही रिक्वेस्ट है, चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और एक प्यारा सा कमेंट कीजिए। अगर पसंद आती है तो शेयर भी कर दिया कीजिए वीडियो को। मेरे मेहनत को देखते हुए आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो इंस्टा पे मैसेज कर सकते हैं, मेरा यूजर नेम है सुनीता ब्लॉग और फेसबुक पेज भी है मेरा जो कि सुनीता ब्लॉग चैनल 2 के नाम से ही है। तो अभी नाश्ता वास्ता करने के बाद बच्चे चले जाएंगे वापस से रूम में, अभी होमवर्क बना रहे हैं और मैं यहाँ पे फटाफट से रोटियाँ सेक रही हूँ। रोटियाँ सेकने के बाद मुझे जाकर उनका होमवर्क वगैरह भी चेक करना है और कपड़े अभी समेटी नहीं हूँ, कपड़े समेटने हैं मुझे। उसके बाद आवेशी का एक और जिम्मेदारी आ गया है मेरा ऊपर, उसका ड्रेस कंपटीशन है तो वही मुझे उसको बनवाना है। तो मैम बोले हैं कि कुछ क्राफ्ट वगैरह आप बना सकते हैं, तो देखते हैं क्या हम बनाते हैं। ऐसे तो मैंने सोच रखा है जैसे अभी पेड़ों की कटाई बहुत तेज़ी से हो रही है उस पर मैं इस तैयारी कराऊंगी। तो लक्ष्य को भी मैंने वैसे ही तैयारी कराया था और मैम को बहुत ज़्यादा पसंद आया। तो सबसे पहले हम यहाँ पर कपड़े समेट लेंगे और आयुषी और लक्ष्य को भी मैं यहाँ पर बुला रही हूँ कि अपने अपने कपड़े समेटें, तो बच्चों को भी थोड़ा बहुत काम में देते रहती हूँ, इससे अच्छा रहता है। तो आयुषी यहाँ अपने कपड़े समेटेगी, लक्ष्य अपने कपड़े समेटेंगे और मैं यहाँ पर अपने कपड़े फटाफट से हम समेट लेते हैं। कपड़ों पर समेटने के बाद तुरंत मैं लग गई हूँ यहाँ पर अपने काम में। बच्चों ने होमवर्क बना दिया है और लक्ष्य यहाँ पर मेरा थोड़ा सा मदद कर रहा है। लक्ष्य ड्राइंग कर दिया और मैंने इसे कट किया था, देखिए एक ट्री के आकार का। यहाँ पर ना चार्ट पेपर मिला ही नहीं मुझे, सीकेपी से मंगवाना पड़ा। तो एक दिन पहले ही मैंने दीदी को कॉल कर दिया था, जीजा ला के दिए। यहाँ पर ना कोई चीज़ नहीं मिलता है और सीकेपी में जमशेदपुर में सब में मिल जाते हैं। तो देखिए ट्री मैंने बना लिया है और सेव मी लिखा है, डोंट कट मी और डोंट डोंट जैसा मुझे पसंद आया जो भी ये ड्राइंग कर दिया। राजसी को मैंने कुछ स्पीच रेडी करवाए हैं तो बार बार मैं उसे पूछ रही थी, तो यहाँ पे मैं इसे पहना देती हूँ और उसे मैं बोलने के लिए बोलती हूँ। साथ में मैं एक्टिंग भी साइड से मैं एक्टिंग कर रही हूँ और वो बोल रही है। तो एक माँ की ही ये सारी जिम्मेदारी होती है क्योंकि पापा के पास तो इतना टाइम है नहीं कि वो ये सब में ध्यान देंगे, तो हमें घर का सारे जिम्मेदारी इसी तरीके से निभाना पड़ता है। तो आगे वीडियो में साइड में लगा दूंगी कैसे मैंने रेडी कराया है और आप लोग ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। तो यहाँ पे मैं उसे बार बार बोल रही थी कि कोशिश करो हो जाएगा, कुछ कुछ लाइन वो भूल जा रही थी। Hello everyone, I give you fruit, flower and oxygen. Please don't hurt me. Thank you. कैसे लगा फ्रेंड मेरा मेहनत और हमारी बिटिया रानी का फैंसी ड्रेस और उसका स्पीच ज़रूर बताइएगा। ये रहा हमारा आज का सिंपल सा खाना, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।